आईपीएल का आठवां मैच हैदराबाद और मुंबई के बीच खेला गया। मुंबई की टीम ने पहले टॉस जीतकर हैदराबाद को बैटिंग करने के लिए बुलाया। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने जबरदस्त शुरुआत करी। ट्रेविस हेड ने 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 62 रन की धमाकेदार पारी खेली और अभिषेक शर्मा ने भी ट्रेविस हेड का साथ दिया। अभिषेक शर्मा ने भी 7 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 63 रन की धमाकेदार पारी खेली। इनके बाद एडम मार्टिन ने भी 42 रन की पारी खेली और साथ ही फिनिशर की भूमिका हेनरी क्लासेन ने निभाई। हेनरी क्लासेन ने इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए। क्लासेन ने 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 34 गेंदों में 80 रन की पारी खेली और इन चारों की पारी के कारण हैदराबाद ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 रन बनाए। 278 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शानदार शुरुआत करी, लेकिन इनके बाद में तिलक वर्मा ने शानदार कोशिश की और तिलक वर्मा ने 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 64 रन की धमाकेदार पारी खेली और तिलक वर्मा के आउट होने के बाद में टिम डेविस ने भी 22 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी टीम को मैच नहीं जिता सके और मुंबई की टीम यह मैच 36 रन से हार गई। लेकिन मुंबई की टीम ने भी 20 ओवर में 246 रन बना डाले और हैदराबाद के लिए पेट कमिंस ने इस मैच में 2 विकेट निकाले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।